नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, ये बातें उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कही गई। लेकिन जब हमारे संवाददाता देवांशु ने चिराग पासवान से बातचीत की, उनसे पूछा कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, तो चिराग पासवान मजाकिए अंदाज में सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 2014 में सीएम नीतीश कुमार यही रणनीति के साथ बीजेपी से अलग हुए थे कि वो पीएम के तौर पर अब सामने आएंगे, लेकिन वो पीएम तो क्या, सीएम के भी लायक नहीं है। पहले सीएम नीतीश कुमार एक अच्छे सीएम बन के दिखाएं, उसके बाद पीएम का सपना वो देखेंगे। क्या कुछ बातचीत हमारे संवाददाता ने चिराग पासवान से की है, आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। पीएम मटेरियल हो गया नीतीश भाई, ये तो उनकी ख्वाहिशें कब से हैं। 14 में जब वो अलग हुए थे उनसे, तो इसीलिए ना अलग हुए थे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। आज 10 साल के बाद 2024 वाले चुनाव में वापस से उनकी वही इच्छाएं उबाल लेने लगी हैं, और इसीलिए वो पीएम मटेरियल अपने आप को कह रहे हैं। बट पीएम मटेरियल पहले सीएम मटेरियल के लायक तो बने। तो आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से इस वक्त अलग ही बात को लेकर राजनीतिक हवा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और सीएम नीतीश पीएम के तौर पर जनता के बीच अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो वहीं अब विपक्ष की ओर से इस मसले को लेकर सीएम नीतीश कुमार का मजाक बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार पहले एक अच्छे सीएम तो बनकर दिखाएं, उसके बाद वो ख्याली पलाव पकाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि उन्हें पीएम बनना है कि नहीं। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि 2014 में सीएम नीतीश कुमार इसी सपने के साथ बीजेपी से अलग हुए थे कि वो पीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन नतीजा आपके सामने है। और आज सीएम नीतीश कुमार एक अच्छे सीएम के तौर पर भी सामने नहीं आए हैं, तो वो पीएम क्या बनेंगे। तो इस वक्त बिहार की राजनीति में कई तरह की उठापटक देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ जेडीयू का कहना है कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, तो वहीं पार्टी के लोग ही पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ शब्दों में कहा कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। और सिर्फ सीएम नीतीश ही नहीं, कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो पीएम के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन इस सबके बीच अब राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई नजर आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद ये साफ देखा जा सकता है कि एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। जेडीयू बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी जेडीयू के खिलाफ है। यही कारण है कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार अब पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि पहले नीतीश कुमार एक अच्छे सीएम बनकर दिखाएं, उसके बाद वो पीएम बनने का सपना देखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।